प्रेरणा कथा पन्ना दाई का बलिदान। पन्ना दाई का नाम राजस्थान के हर घर में बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। 16वीं शताब्दी में पन्ना दाई एक जवान स्त्री थी जो दाई का काम किया करती थी और शाही बच्चों के जन्म से लेकर उनके पालन पोषण तक का ध्यान रखती थी। पन्ना दाई महाराणा संग्राम सिंह जी के लिए काम करती थी। उन दिनों की बात है जब पन्ना दाई को महाराणा संग्राम सिंह जी के पुत्र की देखरेख का काम दिया गया था। पन्ना दाई का अपना भी एक छोटा पुत्र था। उनके पुत्र का नाम चंदन था। वो अपने पुत्र और महाराणा संग्राम सिंह जी के पुत्र की देखरेख साथ साथ करती थी। महाराणा संग्राम सिंह जी के बेटे उदय और पन्ना दाई के अपने पुत्र चंदन की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों बच्चे साथ साथ खेलते थे। 16वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में महाराणा संग्राम सिंह जी के राज्य में बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। राजा सांगा की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। एक एक करके उनके बड़े पुत्र भी युद्ध में बलिदान हो गए। 14 वर्ष की उम्र में विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे थे। विक्रमादित्य ने शत्रु को पराजित किया और शासन करने के लिए वापस आ गए। विक्रमादित्य बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, इसीलिए उनके राज्य में लोग उनको पसंद नहीं करते थे। एक दिन उनके दरबारियों ने विद्रोह कर दिया और विक्रमादित्य को बंदी बना लिया। अब सिर्फ बालक उदय सिंह ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे, परंतु वो राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए बहुत ही छोटे थे। विक्रमादित्य के एक दूर के भाई को शासन संभालने का जिम्मा दे दिया गया। वो दूर के भाई के मन में खोट आ गया और उसने विक्रमादित्य को जेल में मारने और बालक उदय सिंह को भी मारने की योजना बनाई। एक दिन रात को पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन और महाराणा के पुत्र उदय सिंह को खाना खिलाकर सुला दिया। ठीक उसी समय एक नौकर ने आकर उनको सावधान किया कि कुछ हत्यारे पन्ना दाई के कमरे की तरफ आ रहे थे और वो उदय सिंह को मारना चाहते थे। पन्ना दाई राज्य के प्रति बहुत ही वफादार थी और वो जानती थी कि उदय सिंह को बचाना कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने तुरंत उस नौकर को कहा, उदय सिंह को एक टोकरी में रखकर नदी के किनारे चले जाओ, मैं भी कुछ समय बाद वहां आती हूँ। पन्ना दाई ने उदय सिंह को एक टोकरी में रखकर नौकर के साथ नदी की तरफ भेज दिया और उनको बचा लिया। उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और शाही कपड़ों में अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के शाही बिस्तर में सुला दिया और कंबल से ढक दिया। कुछ ही देर में अपने हाथों में नंगी तलवारें लेकर हत्यारे पन्ना दाई के कमरे में आ गए और उन्होंने पूछा कि उदय सिंह कहाँ था। पन्ना दाई ने अपने सोए हुए पुत्र की तरफ संकेत कर दिया। उन निर्दयी हत्यारों ने अपनी तलवारों से उस अबोध बालक चंदन को मार दिया और विक्रमादित्य के दूर के भाई को बता दिया कि उन्होंने उदय सिंह को मार डाला था। अपने दुख को और अपने आंसुओं को दबाकर पन्ना दाई ने कुछ कपड़े उठाए और जरूरत की कुछ और चीजें अपने साथ ली और नदी की तरफ चल दी, जहां उनका नौकर उदय सिंह के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई वर्षों तक पन्ना दाई ने इधर उधर छुपते छुपाते संघर्ष करते हुए उदय सिंह को बड़ा कर दिया और अपने राज्य वापस ले आया। उन्होंने आकर सबके सामने पूरी कथा जनता और दरबार में सुना दी कि कैसे विक्रमादित्य के दूर के भाई ने धोखा दिया था। दरबारियों ने सत्य को स्वीकारा और उदय सिंह को अपना राजा मान लिया। इस तरह पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को बलिदान कर दिया और मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचा लिया। पन्ना दाई की सेवा, वफादारी, ईमानदारी, कर्तव्य और
सर्वोच्च बलिदान को आज भी बच्चों को कथा के रूप में या गीतों में गाकर राजस्थान के घरों में सुनाया जाता है। राजस्थान में कई जगहों में पन्नादाई के चित्र और उनके स्मारक आज भी पाए जाते हैं और लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।